And even ahead of the assembly elections in the hill state of Uttarakhand, there's now heightened activity. Minister in the government, Harak Singh Rawat, has been dismissed from the state cabinet. He's also been expelled from the primary membership of the Bharatiya Janata Party for the next 6 years. So, of course, a strong action there being taken. But speaking exclusively to India Today TV, Harak Singh Rawat said he will now be likely joining the Congress party but has not yet met Sonia Gandhi. He has also claimed that the Congress will form the government in the state of Uttarakhand. Chief Minister Pushkar Singh Dhami, meanwhile, has also written to the governor about the removal of Rawat from the state cabinet. BJP has said this gives a strong message that the Bharatiya Janata Party is a party that does not tolerate indiscipline and does not bow to the pressure of any kind. Rawat, just to give you a background, represents the Kotdwar seat in the state assembly, said to have been seeking a ticket for his daughter-in-law Anukriti Gosain from the Lansdowne constituency and a change of seat for himself. But he was also in news recently when he threatened to resign already from the state cabinet, insisting on his demand for a medical college in Haridwar. An emotional video of Harak Singh Rawat after he was sagged then surfaced, showing him teary-eyed after the announcement. मेरे आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि जो एक बोझ था मेरे मन में और मैं कोई ना निगल सक रहा था ना उगल सक रहा था. आज भारतीय जनता पार्टी का मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया. मुझे एक शायद उनके इस निर्णय से उत्तराखंड का भला होने वाला है, उत्तराखंड के लोगों को कुछ अच्छा होने वाला है. देखिए, कांग्रेस सरकार प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा. हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है. यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया. लेकिन 2016 को याद रखा जाए. हाँ, वो 2016 में जो घटना हुई थी वो मेरे प्रति अपराध नहीं था, वो लोकतंत्र के प्रति अपराध था, संसदीय परंपराओं के प्रति अपराध था, पार्टी के प्रति अपराध था. तो किस किस सीमा तक क्या करना है ये पार्टी तय करेगी. देखिए, हम परिवार अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, ये निश्चित बात है. और भारतीय जनता पार्टी परिवार आधारित परिवार नहीं. अगर उसने कोई समाज में काम किया हो, राजनीति में कोई संघर्ष किया हो, समाज के लिए कुछ काम किया हो, तो वो तब जाके कहीं उसका बारे में विचार पार्टी करती है. लेकिन अगर व्यक्ति यही आधार पर कि वो किसी की बहू है, किसी की बेटी है, और इस आधार पर टिकट मांगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं था. और इसी कारण जो है, दो टूक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सी नेतृत्व ने उनको समझा दिया था कि ये यहाँ नहीं होता, ये कांग्रेस में होता, आप कांग्रेस में चले जाइए. चुनावी मौसम में जो है वो लोग जो है वो सियासी सैर करने निकलते ही हैं, इधर से उधर उधर से उधर जाते हैं. लेकिन उससे उन पार्टियों का, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी, जो किसी परिवार के पालने में पैदा नहीं हुई बल्कि परिश्रम और पराक्रम से पैदा हुई है, उस पर असर नहीं पड़ता. भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह जी को जो है मंत्री परिषद से बर्खास्त करने का निर्णय लिया, ये उनका अंदरूनी मामला है. लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरक सिंह राव जी आहत हैं और उन्होंने जो मीडिया को कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस को अपनी सेवा देने का काम करूंगा, अब उनकी कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार्य होगा.